बसमिल आज हमने करनी है स्टार्ट एक्स एस फोर पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्ल टू ज़ीरो ए इज़ इक्ल टू थ्री बी इज इक्ल टू माइनस टू एंड सी इज़ इक्ल टू फोर यहाँ से पहले साम निकालें सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस टू थ्री टू ओवर थ्री तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए या आज फोर ओवर थ्री अब उन्होंने हमें कुछ नीचे इक्वेशंस दिए हैं उसकी हमने वैल्यू निकाली है वन ओवर एल्फ़ा स्केयर प्लस वन ओवर बीटा स्केयर एल्सीम ले यह α2, जाएगा, बिटा सकेर, बिटा सकेर तो प्लस प्लस आ जाएगा एल्फास्केयर बीटा स्केयर यहाँ से ये डिवाइड होगा एल्फास्केयर कैंसिल हो जाएगा बीटा स्केयर बीटा स्केयर वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बीटा स्केयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा एल्फास्केयर ठीक है तो ये आ जाएगा नीचे इसको हम लिख सकते हैं एल्फ़ा बीटा होल स्केयर यह है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है ए स्केयर प्लस बी स्केयर जिसको हम इसके साथ सॉल्व कर सकें हम फार्मूला बनाएंगे ए प्लस बी होल्स केयर इज इक्वल टू ए स्केर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस टू ए बी ठीक है तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे यहाँ पर आएगा एल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस टू एल्फा बीटा ठीक है अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे या आ जाएगा हमारे पास टू ओवर थ्री स्केयर माइनस टू फोर ओवर थ्री या आ जाएगा हमारे पास फोर ओवर थ्री होल स्केयर स्केयर ओपन करें यह आ जाएगा हमारे पास फोर ओवर नाइन माइनस एट ओवर थ्री डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा हमारे पास सिक्सटीन ओवर नाइन नेक्स्ट एलसीएम ले लें इसका एलसीएम आएगा हमारे पास नाइन एलसीएम नाइन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फोर माइनस नाइन जब थ्री से डिवाइड होगा थ्री तो एट थ्री का ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय ये सिक्सटीन ओवर नाइन साथ आएगा सिक्सटीन ओवर नाइन ऊपर आ जाएगा हमारे पास फोर माइनस ट्वेंटी फोर ओवर नाइन इसको इधर ले आए तो ये इस तरह नाइन ओवर सिक्सटीन इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी नाइन से नाइन कैंसिल हो जाएगा फोर माइनस ट्वेंटी फोर हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सिक्सटीन ये कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव ओवर फोर ये आपका आंसर है नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर टू वो आप खुद करेंगे पार्ट नंबर थ्री अल्फा फोर प्लस बीटा फोर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्केयर होल स्केयर प्लस बीटा स्केयर होल स्केयर ठीक है अब ये हमारे पास ए है ये बी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर वही फार्मूला जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में जनरेट किया है हम उसकी जगह लिखेंगे ए प्लस बी होल स्केयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी ठीक है अब ये हमारे पास दोबारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर है इसकी जगह हम दोबारा वही फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी होल स्केयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी होल स्केयर ये वाला माइनस टू इंटू इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्केयर अब वैल्यूज पुट करें या आ जाएगा हमारे पास टू ओवर थ्री होल स्केयर माइनस टू इंटू फोर ओवर थ्री होल स्केयर माइनस टू इंटू यह आ जाएगा फोर ओवर थ्री स्केयर ये आ जाएगा हमारे पास फोर ओवर नाइन माइनस एट ओवर थ्री होल स्केयर माइनस ये आएगा टू इंटू सिक्सटीन ओवर नाइन यहाँ एलसीएम ले ये आ जाएगा नाइन फोर माइनस ट्वेंटी फोर होल स्केयर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास थर्टी टू ओवर नाइन यहाँ पे आएगा ये माइनस ट्वेंटी ओवर नाइन होल स्क्वायर माइनस थर्टी टू ओवर नाइन यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आ जाएगा फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय नाइन का स्क्वायर आएगा एटी वन ये आएगा माइनस थर्टी टू ओवर नाइन यहाँ पे एलसीएम लेंगे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास एटी वन फोर हंड्रेड यहाँ पे आएगा नाइन तो थर्टी टू हमारे पास मल्टीप्लाई बाई नाइन आ जाएगा टू एटी एट इक्वल टू वन ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एटी वन ये आपका आंसर नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर और फाइव वो आप खुद करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सिक्स एल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी अब अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा को लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमें जनरेट करना पड़ेगा हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्केयर अब यहाँ पे हम इस साइड पे प्लस टू ए बी एंड माइनस टू ए बी टू ए बी को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी एंड माइनस टू ए बी टू ए बी को ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया ये माइनस टू ए बी ऐसे इधर ही आ जाएगा ये हमारे पास फार्मूला बना ए प्लस बी होल स्केयर ये बन गया हमारे पास माइनस फोर ए बी अब यहाँ पे स्केयर ख़त्म करने के लिए हम इसका स्केयर रूट लेंगे यहाँ पे भी इसका स्केयर रूट से स्क्यर कैंसिल होगा ये आ जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर माइनस फोर ए बी स्केयर रूट तो हम ये जो है फॉर्मूला हमने बनाया ए माइनस बी की जगह हम ये लिखेंगे यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस फोर एल्फा बीटा अंडर रूट ये सारे स्टेप आपने रफ में करने हैं ठीक है थीके? आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखें इसको इसके अंदर पुट कर दें अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी टू ओवर थ्री स्केयर रूट यहाँ पे आएगा हमारे पास टू ओवर थ्री होल स्केयर माइनस फोर इंटू फोर ओवर थ्री यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टू ओवर थ्री स्केयर रूट या आ जाएगा फोर ओवर नाइन माइनस सिक्सटीन ओवर थ्री टू ओवर थ्री स्केयर उट एलसीएम नाइन फोर माइनस फोर्टी एट नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टू ओवर थ्री स्केयर रूट यहाँ पे आएगा माइनस फोर्टी फोर ओवर Nine. अब हम क्या कर सकते हैं कि टू ओवर थ्री यह आ जाएगा हमारे पास नाइन का स्केयर रूट ओपन करेंगे यह आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय थ्री या आ गया हमारे पास थ्री और ये जो माइनस का स्केयर रूट है इसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं और फोर्टी फोर को हम लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाय अलेवन तो ये इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट या आ जाएगा हमारे पास टू ओवर थ्री थ्री जै नाइन फोर का स्केयर रूट होता है टू टू बाहर आ जाएगा या आ जाएगा स्केयर रूट अलेवन आयोटा ये मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा फोर ओवर नाइन स्केयर रूट अलेवन आयोटा ये आपका आंसर है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्ल टू ज़ीरो दैन प्रूव दैट प्रूव करना है हमने वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सी ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू माइनस पी सी इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी या आ जाएगा हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए या आ जाएगा माइनस माइनस पी ओवर वन इज इक्वल टू पी अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे अल्फा बीटा प्रोडक्ट की या आ जाएगा सी ओवर ए सी ए हमारे पास माइनस पी माइनस सी ओवर वन या आ जाएगा माइनस पी एन माइनस सी अब लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वन प्लस एल्फ़ा इन वन प्लस बीटा मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस पी प्लस माइनस पी माइनस सी यह आ जाएगा वन प्लस पी माइनस पी माइनस सी ये कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा वन माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड वन प्लस अल्फा इंटू वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू उन्होंने कंडीशन दिए हैं कि वन रूट इज़ द डबल ऑफ़ द अदर स्केयर ऑफ द अदर एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर क्या करेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को लिखते हैं डबल ऑफ द अदर डी यू बी एल डबल ऑफ द अदर जो रूट है इस इक्वेशन के एक रूट दूसरे का डबल हो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे एक रूट ये है और इसका डबल होगा टू अल्फा तो ये कंडीशंस थी इसके हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले सम इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए बी की वैल्यू है पी माइनस आ जाएगा साथ में वन इज इक्वल टू माइनस पी सॉरी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा क्योंकि हमने ये रूट लिए हैं ये आ जाएगा अल्फा प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ये आ जाएगा थ्री अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर थ्री नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट लेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टू अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू ओवर वन या आ जाएगा हमारे पास टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें माइनस पी ओवर थ्री स्केयर इज इक्वल टू क्यू यह आ जाएगा हमारे पास टू पी स्केयर ओवर नाइन इज इक्वल टू क्यू नाइन उधर जाके मल्टीप्लाई होगा यह आ जाएगा हमारे पास टू पी स्केयर इज इक्वल टू नाइन क्यू यह आपकी फर्स्ट कंडीशन थी सेकेंड कंडीशन है हमारे पास स्केयर ऑफ द अदर कि जो हमारे पास पहला रूट है वो दूसरे का स्केयर है तो आप एक रूट लेट कर सकते हैं अल्फा और दूसरा रूट आप लेट कर सकते हैं अल्फा स्केर तो फिर आप इसी तरह सम और प्रोडक्ट निकालेंगे नेक्स्ट है हमारे पास अडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर अडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि एक नंबर उसका जो साइन है उसको ऑपोजिट कर दें तो वो दूसरे का अडिटिव इनवर्स बन जाता है जिस तरह से हम सपोज करें कि एक रूट हमारे पास है एल्फ़ा तो अगर हम दूसरा रूट लेट करना चाहें अडिटिव इनवर्स ऑफ दी अदर के हिसाब से इस कंडीशन के हिसाब से तो हम लिखेंगे माइनस अल्फा ये दो रूट लेट हो जाएंगे इसको आप यूज़ करेंगे सम निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट कंडीशन है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दी अदर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल कि अगर हमारे पास अगर हम एक लेट करते हैं रूट को एल्फ़ा तो दूसरा हम लेट करेंगे वन ओवर एल्फा फिर आप इन दो रूट्स को यूज़ करके सम निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे और आपका आंसर आएगा एक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डिफर बाय यूनिटी प्रूव दैट प्रूव करना है हमने पी स्केयर इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन और उन्होंने कहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके अगर जो हमने रूट्स लेट करने हैं उनके दरमियान एक का फर्क है हम एक को लैट करते हैं अल्फा और सेकंड आएगा अल्फा प्लस वन ये लैट कर लिया हमने सम निकालेंगे सम इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू तो माइनस बी ओवर ए बी की वैल्यू है वै हमारे पास माइनस पी और ये माइनस फार्मूले वाला ओवर वन इज इक्वल टू पी आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा टू अल्फ़ा प्लस वन इज इक्वल टू तो पी या आ जाएगा हमारे पास टू अल्फ़ा इज इक्वल टू तो पी माइनस वन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी माइनस वन डिवाइडेड बाय टू नेक्स्ट हम प्रोडक्ट निकालेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू एल्फा मल्टीप्लाइड बाय एल्फ़ा प्लस वन इज इक्वल टू सी ओवर ए या आ जाएगा क्यू ओवर वन इज इक्वल टू क्यू यह आएगा हमारे पास एल्फ़ा स्केयर प्लस एल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू एल्फ़ा की वैल्यू पुट करें या आ जाएगा हमारे पास p माइनस वन बाई टू होल स्केयर प्लस पी माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू क्यू अब यहाँ पे ये स्केयर है स्क्केयर ओपन करें यह आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई फोर प्लस ये आ जाएगा पी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू क्यू यहाँ पर इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे एलसीएम आ जाएगा फोर यह आ जाएगा पी स्केयर प्लस वन माइनस टू पी प्लस यहाँ पर जब हम इसको, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे आंसर आएगा टू टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टू पी माइनस टू इज़ इक्ल टू क्यू ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास हमारे पास आ जाएगा पी स्केयर प्लस वन माइनस टू आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर इज इक्ल टू क्यू तो ये हमारे पास बनेगा पी स्केयर माइनस वन इज ईक्ल टू फोर क्यू तो ये आ जाएगा फो पी स्केयर इज इक्ल टू फोर क्यू प्लस वन ये ही हमने प्रूव करना था नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव उन्होंने हमें इक्वेशन नहीं दी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी एवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू फाइव इसको हम सिम्प्लीफाई करके इक्वेशन जनरेट करेंगे और जो हमारी इक्वेशन आएगी उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसका एलसीएम निकालें या आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से एक्स माइनस ए कैंसिल होगा ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी यहाँ से एक्स माइनस बी कैंसिल होगा बी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू फाइव यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें यह आ जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज़ इक्ल टू फाइव ये इधर डिवाइड हो रहे हैं इधर फाइव के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज़ इक्ल टू फाइव एक्स स्क्र माइनस फाइव बी एक्स माइनस फाइव ए एक्स प्लस फाइव ए बी फाइव सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट अब इनको हम इस साइड पे माइनस कर देंगे यह आ जाएगा हमारे पास फाइव एक्स स्कीयर माइनस फाइव बी एक्स माइनस फाइव ए एक्स प्लस फाइव ए बी ये जो है इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस ए एक्स ये माइनस इधर आके पॉजिटिव होगा प्लस ए बी ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव होगा माइनस बी एक्स ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव होगा प्लस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास फाइव एक्स स्कीयर नेक्स्ट ये माइनस फाइव बी एक्स है और ये माइनस वन है ये आ जाएगा माइनस सिक्स बी एक्स माइनस फाइव ए एक्स एंड माइनस ए एक्स ये आ जाएगा माइनस सिक्स ए एक्स प्लस फाइव प्लस वन सिक्स एंड प्लस वन सेवन ये आ जाएगा सेवन ए बी इज इक्वल टू जीरो यहाँ से आएगा फाइव एक्स स्क्र यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ये आएगा ए एक्स कॉमन लेंगे हम माइनस सिक्स आ जाएगा ए प्लस बी साथ में एक्स प्लस सेवन ए बी इज इक्वल टू जीरो यहाँ से वैल्यू निकाल लें ए इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए प्लस बी एंड सी इज इक्वल टू सेवन ए बी अब ये हमने इक्वेशन जनरेट कर ली है कंडीशन के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी थी उन्होंने उन्होंने कहा था मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ओपोजिट इन साइंस मैग्नीट्यूड हम एल्फ इसको रखते हैं अपोजिट इन साइंस इसको माइनस एल्फा कर लेते हैं जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स में किया था सम निकालें या आ जाएगा सम इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस सिक्स इन ए प्लस बी ओवर ए है हमारे पास फाइव या ये कैंसिल होंगे प्लस अल्फा माइनस अल्फ़ा या आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू सिक्स इंटू ए प्लस बी ओवर फाइव फाइव इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू सिक्स ए प्लस बी ये सिक्स इधर आके डिवाइड होगा ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज़ इक्ल टू ज़ीरो तो ये आपका आंसर ये क्वेश्चन नंबर फ़ाइव तक हो गए क्वेश्चन नंबर सिक्स से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे